जय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 12 राशि में से ये जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, किस राशि का भाग्य किस उम्र में खुलता है, किस साल में किस उम्र में आपका भाग्य उदय होता है, तो आपको भौतिक सुख, परिवार, घर, जीवन सब कुछ मिलता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको नई नई जानकारी हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे भारतवासी हिंदू धर्म कल्चर को लेकर बहुत ही विश्वास करते हैं और ज्योतिष शास्त्र को लेकर भी कई ऐसे विश्वास रहते हैं। तो ये पूर्णतः वैज्ञानिक ही, और नासा ने भी इसको प्रूव किया है, ज्योतिष शास्त्र को, हमारे जो भारतवासी जितने भी हैं धर्मशास्त्र को लेकर, यहाँ पे भृगु ज्योतिष साहित्य में काफ़ी बात को लेकर यहाँ पे राशियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अगर आप किसी भी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक हैं, अगर आपकी जिज्ञासा है कि आपका भाग्य कब उदय होगा, तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानने की कोशिश करें। कुंडली में अगर आपके ग्रहों की स्थिति फर्क हो सकती है, आपका सूर्य, मंगल, यहाँ पे चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, शनिदेव, जो भी ग्रह हैं यहाँ पे कहाँ पे कौन से भाव में हैं और कितने मजबूत हैं, इसमें आपका थोड़ा सा फर्क हो सकता है यहाँ से बताने से पहले, और आपके नक्षत्र भी फर्क हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आज हम राशि के अनुसार आपका भाग्य कब उदय होगा, आपका अच्छा समय कब आएगा, किस राशि का किस्मत कब खुलेगा, आपकी किस्मत कब खुलेगी, और आप बिजनेस, व्यापार, धन, पैसे को लेकर कब आपको सफलता मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं मेष राशि से मीन राशि तक। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय हिंदुस्तान, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं मेष राशि। अगर आप मेष राशि के जातक एवं जातिका हैं, देखिए मेष राशि का प्रतिनिधि ग्रह मंगलदेव हैं और ये दो राशि के मालिक हैं मंगलदेव। मंगलदेव वृश्चिक राशि और मेष राशि के मालिक होकर मेष राशि के वाले जो जातक होते हैं, ये बड़े आठ बल पराक्रम के साहसी होते हैं। ये कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में और आर्मी, पुलिस, मंत्री, सरकार के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ये किसी से डरते नहीं हैं, गोला बारूद से भी ये डरते नहीं हैं और ऐसे बड़े बड़े मुश्किल काम हाथ में लेते हैं। तो ये लंबी वीडियो ना बनाएं, हम विशेष रूप से बात करेंगे मेष राशि का भाग्य कब उदय होगा। मेष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं का भाग्य 16 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, 28 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष का जो उम्र है और 36 वर्ष की उम्र में इनका भाग्य काफ़ी उदय होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। जो दुख और दर्दें थी वो अंत हो जाएंगे और आपको भौतिक सुख और समृद्धि आपको मिल जाएगी। आपके लिए अपार सफलता भी मिलती रहेगी, आपका भाग्य भी खुलता रहेगा, आपके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगली राशि है वृष राशि। अगर आप वृष राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं, तो वृष राशि का भाग्य कब खुलता है, आपका किस्मत कब खुलता है, तो सोया हुआ भाग्य कब जागता है। तो वृष राशि के अगर आप जातक एवं जातिकाएं हैं, तो वृष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए बात करें, तो दोस्तों आपका भाग्य 25 वर्ष की उम्र में, 28 वर्ष और 36 वर्ष और 42 वर्ष में आपका भाग्य पूर्णतः चमक जाता है। भृगु ज्योतिष साहित्य में उल्लेख किया गया है, अगर आप वृष राशि के जातक हैं, जातिकाएं हैं, तो आपका भाग्य 25, 28, 36 और 42 वर्ष में आपका भाग्य पूर्णतः हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बताने से पहले, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसमें भी फर्क हो जाती है और नक्षत्र में भी आपका फर्क हो जाता है, आपका जन्म समय के अनुसार कुछ फर्क हो सकता है। तो अगली राशि के बारे में बात करेंगे, जो मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातक एवं जातिकाओं का भाग्य कब उदय होगा। मिथुन राशि वाले जातक एवं जातिकाओं का भाग्य 22 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष और 36 वर्ष और 42 वर्ष में आपका भाग्य चमक जाएगा, आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा। इसके प्रतिनिधि ग्रह बुधदेव हैं। बुद्धि भी, जो बुध ग्रह हैं, अत्यंत बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बिजनेस के कारक माने जाते हैं, बैंक के कारक माने जाते हैं, तो शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वृष राशि जो थी वो शुक्रदेव के कारक, भौतिक सुख कारक, माता लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं। तो मिथुन राशि वाले जो जातक एवं जातिकाएँ हैं, उनका भाग्य 22, 32, 36 और 42 वर्ष में हो जाता है। कर्कट राशि।
अगर आप कर्कट राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं, कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर कब भाग्य उदय होगा तो यहाँ पे देखें 16 वर्ष की उम्र में और 22 वर्ष और 24 और 25, 28 और 32 वर्ष में आपका पूर्णतः भाग्य उदय हो जाता है। तो आपके लिए काफ़ी शुभ समय है और आपका राइट और गोल्डन टाइम है। इस समय आपके लिए बिजनेस, व्यापार, कार्य करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, विवाह करने के लिए, संतान प्राप्ति करने के लिए, नई नई बड़े बिजनेस को खड़ी करने के लिए काफ़ी अच्छा शुभ समय है और भाग्य उदय हो जाता है इस समय आपके लिए। और ये जो कर्कट राशि है, चंद्रमा की प्रतिनिधि राशि है। अगली राशि बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि जो है सूर्यदेव के प्रतिनिधि राशि है और सूर्यदेव नवग्रह के राजा भी हैं और आत्मकारक और बल के कारक और यहाँ पे ऊर्जा के कारक, सरकारी राज्य के कारक भी माने जाते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए 16 साल की उम्र से लेकर यहाँ पे 22, 24, 36, 26 और 32, 28 ये वर्ष काफ़ी शुभ माना गया। अगर आप सिंह राशि के जातक एवं जातिकाएँ हैं तो 16 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में और 26 वर्ष की उम्र में, 28 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष का उम्र जो है आपके लिए काफ़ी भाग्य उदय होने वाले वर्ष माने जाते हैं राशि के अनुसार। ये राशि जो चंद्र राशि के आधारित में फलित किया हुआ राशि है। तो दोस्तों ये विरगु ज्योतिष साहित्य शास्त्र में भी इसका प्रमाण है, आपका भाग्य इतनी देर तक आपका उदय हो जाता है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि दो राशि के मालिक हैं, विशेष रूप से जो कन्या राशि है बुध देव इसके मालिक हैं, बुध देव दो राशि के मालिक हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मिथुन राशि और कन्या राशि के मालिक हैं। बुध देव एक अत्यंत बुद्धिजीवी, बैंकिंग, बिजनेस, व्यवहार के ग्रह भी माने जाते हैं। तो कन्या राशि का भाग्य कब उदय होगा तो अगर यहाँ पे देखें कन्या राशि का भाग्य 26, यहाँ पे 16, 22, 25 और 32। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, 16 वर्ष की उम्र में 22 और 25 और 32, 33, 35 और 36 वर्ष की उम्र में कन्या राशि का भाग्य भी पूर्णतः उदय होने लग जाता है। तो आपको काफ़ी भौतिक सुख और समृद्धि मिलती रहती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि जो है ये शुक्र देव की प्रतिनिधि राशि है। शुक्र देव दो राशि के मालिक हैं, जैसे तुला राशि और वृष राशि, और यहाँ पे प्रेम कारक, भौतिक कारक, सुख कारक, कला कारक, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे माने जाते हैं शुक्रदेव को, और लक्ष्मी के प्रतीक भी माने जाते हैं। तुला राशि के जो जातक एवं जातिकाएं होती हैं उनका भाग्य कब उदय होगा तो तुला राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर विचार करें तो तुला राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए 22 वर्ष का उम्र जो है काफ़ी शुभ रहता है। 24 वर्ष की उम्र में भी काफ़ी धन की वृद्धि होती है। 24 वर्ष की उम्र में अगर ना हो तो ये 25 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष यहाँ पे तुला राशि के लिए काफ़ी शुभ माना गया। इस वर्ष में काफ़ी आपको लिए भौतिक सुख और जो भी है आपके सपने वो पूरे हो जाएंगे, जो अधूरे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। दोस्तों अगली राशि है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं ये मंगलदेव हैं। मंगलदेव एक सेनापति ग्रह भी हैं। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं 22 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष में पूर्णतः आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके लिए दो ये विशेष रूप से देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी शुभता मानी जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो धनु राशि आती है। धनु राशि के लिए भी कब भाग्य उदय होगा तो धनु राशि के लिए ये देवगुरु बृहस्पति इनके मालिक हैं और इनके प्रतिनिधि हैं, और यहाँ पे मीन राशि के भी प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, दो राशि के मालिक हैं। तो अगर धनु राशि का भाग्य कब उदय होगा, धनु राशि का भाग्य 16, 22, 32 वर्ष में भाग्य उदय हो जाता है। विरगु ज्योतिष साहित्य शास्त्र में भी इसका विशेष उल्लेख किया हुआ और शास्त्र के प्रमाण सहित मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि दो यहाँ पे शनिदेव इसके प्रतिनिधि हैं और शनिदेव दो राशि के मालिक हैं, जैसे मकर राशि और कुंभ राशि हो गया। अब मकर राशि का भाग्य कब उदय होगा, मकर राशि का भाग्य 25 वर्ष में, 33 वर्ष में, 35 वर्ष में और 36 वर्ष में पूर्णतः उदय हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इनके लिए काफ़ी जीवन में परिवर्तन आ जाएगी। अगर मकर राशि के जातक हैं तो ये देखिए, अगर विरगु जो ज्योतिष साहित्य शास्त्र में है इसका प्रमाण है। अगर यहाँ पे देखें कुंभ राशि भी शनिदेव की प्रतिनिधि राशि है। कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे तो 25, 28, 37 और 42 वर्ष में आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी परिवर्तन आ जाएगी, आपके जीवन में सब कुछ देखने को मिल सकता है। अगर आ गई यहाँ पे मीन राशि के बारे में अगर बात करें, मीन राशि एक देवगुरु बृहस्पति की प्रतिनिधि राशि है और देवगुरु इसके मालिक हैं। अगर मीन राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए विरगु ज्योतिष साहित्य शास्त्र में देखा जाए तो ये 16 वर्ष की उम्र में, 22 और 28,
33 वर्ष की उम्र में पूर्ण भाग्य उदय हो जाएगा और ये प्रबल संभावना है। इसी समय आपका गोल्डन टाइम चलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भृगु ज्योतिष साहित्य शास्त्र में प्रमाण शास्त्र के साथ मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, तो यही थी जो आपकी राशि के अनुसार कब भाग्य उदय होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभु, जय महादेव।